दांतों और मसूड़ों का स्वस्थ रहना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसे में हम जो टूथपेस्ट कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है? अगर सही है तो कितना? क्या ऐसा तो नहीं कि हम अपने दांतों और अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट होकर? कितनी इस बातों में सच्चाई है, चलिए जानते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट से वीडियो में। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, आपको इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आज से पहले शायद ही आपने सुनी होगी। तो चलिए अपना बेहतरीन सा वीडियो शुरू करते हैं। आपने देखा ही है कि मार्केट में बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट की पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, और उन्हीं से अट्रैक्ट होकर हम दुनिया जहान के टूथपेस्ट बिना सोचे समझे अपने घर में ले आते हैं और अपने दांतों में उनको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें कैविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारे दांत समय से पहले गिर रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, खून निकलने की समस्या है, और ना जाने कितनी ज्यादा समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है। आपने बहुत सारे कमर्शियल टूथपेस्ट देखे होंगे कि जैसे कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, पतंजलि, बहुत सारे ऐसे मार्केट में बिकने वाले टूथपेस्ट हैं। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे टूथपेस्ट पर रिसर्च करा है, स्टडी करा है, और कुछ चीजों को एनालाइज करा है कि जो उनके इंग्रेडिएंट है वो किस हद तक हमारे लिए सेफ है, जिसकी बेसिस पे मैंने टूथपेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो टूथपेस्ट है और जो लोगों की मेजोरिटी है, यानी वो टूथपेस्ट का जो दूसरा नाम समझते हैं वो है कॉलगेट। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कॉलगेट जैसे टूथपेस्ट में बहुत ही खतरनाक केमिकल डाले जाते हैं, जैसे कि सोडियम लॉरेन सल्फेट। यस, मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आपको किसी भी टूथपेस्ट पर इंग्रेडिएंट लिस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट लिखा मिलता है तो तुरंत उसे उठाकर अभी अपने डस्टबिन में फेंक दें। अगर आप अक्सर ही मुंह के छालों से परेशान रहते हैं तो बड़ा कारण हो सकता है कि आपके टूथपेस्ट में SLS है। यानी SLS क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि कॉस्मेटिक्स में बहुत सारी कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। लगातार SLS टूथपेस्ट को यूज करने से इसके जो डिपॉजिट कण होते हैं वो आपके हार्ट, लिवर, लंग्स और ब्रेन तक चले जाते हैं। इसलिए कॉलगेट, क्लोजअप जिनमें SLS मेंशन है, इन्हें प्लीज यूज करना बंद कर दें। अब बात करते हैं फ्लोराइड की, जो इन तीनों के अलावा पतंजलि, दंत कांति और सेंसोडाइन में डाला गया है। हाँ, जरूर कुछ डेंटिस्ट फ्लोराइड रेकमेंड करते हैं क्योंकि ये टूथ डिके को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। कुछ स्टडीज जो है इनके फेवर में है और कुछ इनके अगेंस्ट में, तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि लेकिन फ्लोराइड जो है वो एक पॉइजन का काम करता है। इतना ही नहीं, सिर्फ 2.8 अगर हमारे फ्लोराइड मुंह में चला जाता है तो एक 50 किलो के आदमी की मौत हो सकती है। छोटे बच्चे का तो जरा सोच कर देखिए, उनकी तो आदत ही टूथपेस्ट खा जाने की होती है। यही बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे ब्रांड्स वार्निंग में लिखते हैं कि टूथपेस्ट पैक पर कि ये अबव 6 इयर्स या 8 इयर्स है, राइट? आपने भी बहुत बार देखा होगा। हमारा मुंह जो होता है वो बहुत जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा डेस्परेटली भी अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उसको अंदर लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी जो कुछ कण होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जरूर टूथपेस्ट से चले ही जाते हैं, और लॉन्ग रन में वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मैं ना तो खुद फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करती हूँ, ना ही आपको कभी रेकमेंड करूंगी। कैटेगरी नंबर 2, जिसमें आते हैं हिमालय स्पार्कलिंग व्हाइट टूथपेस्ट, डाबर मिसवाक, बबूल रेड टूथपेस्ट, आयुष रॉक सॉल्ट टूथपेस्ट, ये सभी टूथपेस्ट कैटेगरी 1 से बेहतर हैं क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है। ये सभी नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट है, हालांकि इनमें से काफी कुछ में हार्श केमिकल जरूर डाले गए हैं। जैसे हिमालय टूथपेस्ट में SLS, डाबर बबूल मिसवाक दोनों में ही SLS और आर्टिफिशियल कलर है, और डाबर रेड में प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। डाबर मिसवाक में तो ट्राइक्लोजन भी डाला गया है जो इतना खतरनाक केमिकल है जो सोप्स में भी ऑलरेडी बैन किया जा चुका है, राइट? तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आपके अंदर चला गया तो क्या ही नुकसान होगा आपको। फिर आयुष रॉक सॉल्ट टूथपेस्ट में आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं। हाँ, इतना मैं बता देती हूँ कि आयुष ब्रांड के हर टूथपेस्ट जो है वो फ्लोराइड फ्री बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि इनके जो क्लोव टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड डाला गया है, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रोडक्ट हमेशा इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर ही खरीदे, ना कि ब्रांड देखकर। सो इस कैटेगरी के जो टूथपेस्ट है वो फ्लोराइड फ्री है, लेकिन पूरे तरीके से हार्श केमिकल फ्री नहीं है। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की, जिसमें आते हैं बेस्ट टूथपेस्ट। नो डाउट जो बीको है वो बाकी कमर्शियल टूथपेस्ट से बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन आज की डेट में भारतीय मार्केट में इससे और भी बेहतर ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि बेंटोडेन का अर्थली नेचुरल टूथपेस्ट, बायोमीटर पॉलीन टूथपेस्ट और बायोटेक का एडवांस्ड आयुर्वेद टूथपेस्ट
अगर आप इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या आती है, ये अपने इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है वो बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं। और दूसरा, इनमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, ना तो सल्फेट है, ना फ्लोराइड है, ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर या प्रिजर्वेटिव्स है। जैसे कि बेंटोडेंट के इंग्रेडिएंट्स को देखें तो ये बना है कैल्शियम, मेट्रोनाइट सॉल्ट, स्टीविया, मेंथॉल, पेपरमिंट और टी ट्री एसेंशियल ऑयल से। ऐसे ही जो बायोटिका टूथपेस्ट है उसके इंग्रेडिएंट भी बिल्कुल सेफ है आपके लिए, आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। ये 100% सेफ है। डेफिनेटली सभी टूथपेस्ट बिल्कुल टॉक्सिन फ्री हैं, लेकिन कमर्शियल टूथपेस्ट के मुकाबले 50-100 रुपए महंगे जरूर हैं। क्वालिटी को देखते हुए ये बिल्कुल वर्थ है। हालांकि फिर भी अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आप हर्बल टूथ पाउडर यूज कर सकते हैं, ये काफी इजिली मार्केट में अवेलेबल है। इसमें वैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। जब आप दंत मंजन को ऑयल के साथ मिक्स करके अपनी उंगली से दांत और मसूड़ों पर रगड़ते हैं तो मसूड़ों के जो वेन्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं और डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। वैसे अगर आपको उंगली से मंजन करने में तकलीफ होती है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रश पर भी पेस्ट को यानी मंजन को लगाकर आप उसको कर सकते हैं। और आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगी कि अगर आप जिंदगी भर किसी भी दांतों से जुड़ी समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं तो नीम की पत्तियां चबाएं, अगर वो नहीं कर सकते तो नीम की दातुन हफ्ते में एक बार जरूर करें, अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए ऐसे ही अपने प्यारे दांतों से, अपनी सुंदर सी स्माइल से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे अपना प्यार देते रहें। आपकी ईशा मिलती है बहुत जल्द कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू।